भारतीय वायुसेना के बेड़े में C-295 ये एयरक्राफ्ट अब शामिल हो चुका है। गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की है। उन्होंने शुरुआती दौर में जो पूजा पाठ किया है, स्वास्तिक और ओम का निशान बनाया है, रक्षा सूत्र बनाया है जो उसकी कॉकपिट है उसके लिए। इसके अलावा ये बेहद जो है छोटा स्पेन से आया हुआ ये जहाज़ है जो कि इस वक्त हिंडन एयरबेस में लाया गया है। ये हिंडन एयरबेस में लाया जा चुका है। इसके अलावा सेना और जो सैनिक हैं उनकी मूवमेंट के लिहाज से बेहद शानदार एयरक्राफ्ट है ये। इसका इंडक्शन यानी कि इसको बेड़े में अब शामिल किया जा चुका है। साथ ही जो जानकारियां ये भी हैं कि ये बेहद हल्की भार का है जो कि 44 से ज़्यादा सैनिकों को, पैराशूटर्स को और 71 सैनिकों को लेकर के इसकी उड़ने की क्षमता है। न केवल उड़ने की क्षमता है बल्कि 7000 तकरीबन जो जानकारी है कि वो करीब 7050 किलोग्राम का जो है ये वज़न है इसका, और ये वज़न इतना कैरी आउट कर सकता है। एक बार में 71 सैनिक और 44 पैराशूटर्स और 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट्स को ले जाया जा सकता है। 11 घंटे तक लगातार उड़ान भी भर सकता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा जो स्पेन की से सरकार से ये लाया गया था यहाँ पर, इस वक्त हम इसके भीतर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना एरिया है भीतर। खासकर ये एयरक्राफ्ट जो है जो क्लोजर अगर आप देखें तो इस तरीके से भीतर ये सीटिंग कैपेसिटी है जिसमें करीब 71 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और 7000 किलोग्राम से ज़्यादा का भार ये लेकर के उड़ सकता है। इसके अलावा अगर और इसके डिटेल्स की बात करें तो खासकर ऊंची जगहों पर जहां पर बड़े एयरक्राफ्ट, क्योंकि इससे पहले ग्लोब मास्टर, हरकुलस ये भी यहां पर आ चुके थे, हम दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेन है, प्लेन खासकर उन इलाकों में जो ऊंचाई के इलाके हैं जहां पर छोटी जगह हैं, बहुत बड़े रनवे नहीं मिलते, वहां के लिए तो बिल्कुल बहुत बेहतर साबित होगा, उसके लिए एकदम माकूल है। क्योंकि ना इस एयरक्राफ्ट की विशेषता ये है कि खासकर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए या सैनिकों के सोल्जर्स के मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक एक जल्दी और तेज़ गति से जाने वाला ये विमान है। फिलहाल इसको इंडक्ट किया गया है, ऐसे करीब 16 विमान और स्पेन से बन के आएंगे। कुल 56 विमानों का ये टारगेट रखा गया है। 56 विमान जो हैं वो 16 के आने के बाद यानी कि 40 विमान फिर मेक इन इंडिया होंगे, उनका निर्माण यहीं पर कराया जाएगा और फाइनली भारतीय वायुसेना का ये अब हिस्सा हो चुका है। इसके साथ ही जो वायुसेना दिवस इस बार प्रयागराज में मनाया जा रहा है वहां पर भी इसको शोकेस किया जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, हिंडन एयरबेस, गाज़ियाबाद।